हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मैं लीगल नॉलेज के वीडियोस दे रहा हूँ, और ये वीडियोस देने के लिए मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि नीचे मैंने डिस्क्लेमर दिया है, वो डिस्क्लेमर को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू टॉपिक पे आपके लिए लाए हैं जानकारी, वो है एनसी क्या होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग पुलिस में कंप्लेंट लिखाने जाते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से, जैसे उनका किसी से झगड़ा हो गया, या उनको किसी ने गाली दे दिया, या उनको कोई परेशान कर रहा है अलग अलग तरीके से। तो अब नॉर्मली जब पुलिस स्टेशन हम जाते हैं, पुलिस वाले को जब अपनी शिकायत बोलते हैं, तो जो पुलिस वाले हैं वो ये सोचते कि आपकी जो शिकायत है ना, वो किस टाइप की शिकायत है। अब किस टाइप की शिकायत से मेरा मतलब ये है कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अब कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल में फर्क क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉग्निजिबल ये होती है जिस शिकायत पे पुलिस खुद एक्शन ले सकती है, और नॉन कॉग्निजिबल है जिस शिकायत पे पुलिस कोर्ट के ऑर्डर पे एक्शन ले सकती है। तो एनसी जो है उसका मतलब होता है नॉन कॉग्निजिबल। नॉर्मली मैंने जो देखा है, मैं आपको प्रैक्टिकल लीगल नॉलेज देता हूँ, ऐसे बड़ा चढ़ा के ऐसे लंबे लंबे वीडियो बनाना ये मेरा काम नहीं है। आप लोगों तक सिंपल और स्वीट तरीके से लीगल नॉलेज पहुंचाना मेरा काम है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको एनसी के बारे में बताया, तो एनसी का फुल फॉर्म है नॉन कॉग्निजेबल। तो आप जब जाते हो पुलिस स्टेशन में, आप बोलते हो मेरे साथ इसने गाली गलौज किया, तो उसको पुलिस वाला नॉर्मली 504 एंड 506 सेक्शन लगा के आपको एक सिंगल पेज, जी एक सिंगल पेज कंप्लेंट होती है एनसी, वो दे देते हैं। नॉर्मली एनसी कंप्लेंट जो है वो एक ही पेज की होती है, उसमें थोड़ी सी जानकारी लिखी होती है, और उसके नीचे पुलिस वाला आपकी साइन लेगा, लोकल भाषा में होती है वो। तो उसके नीचे अगर आपको पता है, आप जहां पे साइन कर रहे हो ना, वहां पर लिखा होता है कि आपको ये समझाया गया है कि ये नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट है, और इसकी आगे की कार्रवाई के लिए आपको इसे कोर्ट में लेके जाना है, मतलब कोर्ट में अर्जी देनी है। वो एक अलग बात है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या कैसे कोर्ट में करते हैं, लेकिन आप कम से कम ये समझ लीजिए कि जो नॉन कॉग्निजेबल कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट पे पुलिस सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेगी और उसकी एक कॉपी आपको दे देगी। पुलिस सामने वाले को फोन करके कुछ बोले या उसको जाके पकड़ के लाए, ऐसा पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस सिर्फ आपको एक लिखित में दे देगी। अब पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, होते हैं, और वो अगर आप ऐसे बहुत उनको ऐसे लग रहा है कि ये मैटर थोड़ा सीरियस है, तो वो सामने वाले को फोन करते हैं, लेकिन वो पाबंद नहीं है, कंपलसरी नहीं है उनको कि सामने वाले को फोन करके बोले कि वो आपको परेशान ना करे। तो इस तरीके से होती है एनसी कंप्लेंट। अब जो है कॉग्निजिबल कंप्लेंट, उसको नॉर्मली सीआर बोलते हैं या एफआईआर बोलते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और लीगल नॉलेज मिलती रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।